देखते हैं फर्टिलाइजर टोटल कितना जाने वाला है। ओ भाई योके हो गया, चल 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 तो भी देखते हैं भाई 4.3 मिलियन। ओ भाई मेरे 1 मिलियन का बिका। तो पानी के लिए वैसे तो टंकी लगानी पड़ती है, लेकिन भाई अपने घर के पीछे नदी है तो नदी में इसे जाएंगे और डुबकी लगाएंगे गंगा मैया के अंदर। ये दूध की बोतल बनी है देखो ऊपर, तो दूध से हमें मिलता है मक्खन और घी और दही। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार गेमर यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो आज भाई मैं फिर से खेलने वाला हूं फार्मिंग सिमुलेटर 22 यानी कि FS22। तो यार पिछली बार मैंने ये शुगर मिल खरीदी थी और गन्ना मेरे पास अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, और भाई ट्रॉली में गड़बड़ हो गई थी तो ट्रॉली मैंने फिक्स कर दी है। तो सबसे पहले यार एक काम था मुझे, यार इतना सारा गन्ना था मुझे पहले इसको बेचना था, तो इसको मैं जल्दी से बेच देता हूँ। तो भाई ये शुगर मिल यहाँ पर भी बिकता है, एक बार जरा मैं ट्रॉली सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी शायद, तो देखता हूँ यहाँ पर बिक जाता है क्या ये। तो भाई शुगर मिल पर भी बिकता है, देखो यहाँ पर बिक रहा है, तो यहाँ पर सारा गन्ना अपना बिक जाएगा। और ये जाने लगा भाई गन्ना, ये भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने इतने महीने आगे करे थे तो जो मेरी काऊ थी भाई उसके पास खाना ख़त्म हो गया देखो, क्योंकि जो रोबोट है भाई वो जल्दी जल्दी काम नहीं करता, थोड़ी थोड़ी देर में काम करता और वो खाना बहुत कम देता है, तो मुझे अपने काऊ को खाना भी देना है। तो यहाँ पर ये बिकता क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आता, पूरी तरह नहीं बिकता यार ये, देखो जाता है थोड़ा थोड़ा लो। तो अगर हम गन्ने को देखें तो भाई गन्ना हमारा भाई 3 जगह पर बिक रहा है, देखो मैंने अभी चेक करा था, तो एक तो बिक रहा है फीड एंड ग्रेन जहाँ पे मैंने कॉटन बेचने की कोशिश करी थी, कॉटन यानी कि गोल वाली राउंड वाली, तो एक बिकता है जो अपने मैंने खेत में सेल पॉइंट लगा रखा है, एक बिकता है भाई शुगर मिल पे। अगर मैं इसको टैग करता हूँ तो ये जगह यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ पर इतना कम क्यों जाता है ये समझ नहीं आया, एक बार में बिकना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा जाके बंद क्यों हो जाता है समझ नहीं आया, ये चीज़ ये प्रॉब्लम है। या तो ये इसके अंदर, अब ये देखो यहाँ तो ये इसके अंदर गेम में प्रॉब्लम है या कुछ, यहाँ ये शुगर मिल के जो फैक्ट्री लगा रखी है भाई इसके अंदर गड़बड़ है, तो इतना सा जाके बंद हो जाता है, तो पूरा जाना चाहिए था लेकिन पूरा नहीं जाता। तो एक काम करते हैं यार, जहाँ पर ये बिकता है ना इसको वहाँ पर ले चलते हैं, तो इस पॉइंट पे तो बिक नहीं रहा ये, तो वैसे तो शुगर मिल पे गन्ना लेते हैं। एक मिनट एक काम करते हैं और ज़रा इसको दूसरे स्टाइल से लगा के देखता हूँ यहाँ पर शायद बिक जाए, तो कोई और पॉइंट भी तो नहीं है भाई बेचने का। तो इसके अंदर जितना गन्ना मैंने डाला था उसकी सब बन गई शुगर, अब यहाँ पे देखता हूँ शायद यहाँ पे डल जाए, चल भाई बेच दे सारा। नहीं भाई तो मतलब कैपेसिटी है मुझे लगता शुगर मिल वालों की कैपेसिटी है इतनी ना, यहाँ पर नहीं लेगा बेकार। तो भाई मुझे इतनी सारी चीनी मिली थी ये, तो मैंने इकट्ठी कर लिया अभी यहाँ पर, और अभी एक पैकेट वहाँ पर और आ रहा है। तो इसके अंदर देखें तो इसकी कैपेसिटी जो है भाई 4.5 लाख की है, तो 3.5 लाख से ऊपर शुगर ये लेगा नहीं, तो मुझे दूसरे पॉइंट पे बेचनी पड़ेगी जहाँ पर मैंने कॉटन की बेल बेची थी। और एक काम करना था मेरे को, चलते हैं वापस अपने खेत पे। तो मेरी काऊ के पास भाई खाना ख़त्म हो गया, तो मैं जल्दी से अपने काऊ को पहले हे, मेरे पास पड़ी है 2,30,000, तो मैं काऊ को हे खिला दूँ, क्योंकि वो भाई उससे काम नहीं हो रहा, क्योंकि काऊ ज़्यादा हो गई हैं और वो काम स्लो कर रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा। तो इसको लेके चलते हैं और भाई इसको खिला देंगे, सीधा डाल देंगे अंदर ले जाकर, देखते हैं यहाँ से चली जाएगी तो यहाँ से हे जाएगी, हाँ जानी तो चाहिए यार। ओके तो हे जा रही है, तो इसको मैं डाल देता हूँ, देखता हूँ कितनी जाएगी, तो काफ़ी सारी चली गई यार देखो, अब उतर के देखता हूँ। तो फूड देखो काऊ के पास ऐसे नज़र नहीं आएगा आपको, छोटा आएगा। तो देखो हे इसके पास अब चली गई भाई 60,000, तो अपने पास अभी हे और भी पड़ी है। चल भाई ओके, तो ये अच्छा काम कर दिया यार, वो देता है जो रोबोट है ना भाई, वो 1,000-1,500 देता है, उससे मज़ा नहीं आता। तो इसमें साइलेज की प्रॉब्लम है, साइलेज नहीं जा रही इसके अंदर, नहीं तो ये साइलेज की बेल में भाई सारी अपनी काऊ को खिला सकता था, लेकिन दिक्कत ये है कि वो साइलेज वाली जो ऑप्शन है वो ही नहीं आ रही। तो चलो हे को मैं अभी यहीं पर खड़े कर देता हूँ, क्योंकि यार ये मुझे बार बार डालनी पड़ेगी। तो मैंने कई सारे महीने आगे करे थे ना, 7-8 महीने, तो भाई वो ख़त्म हो गया सामान। तो अब चलते हैं एक बार और वापस। अच्छा हाँ, और भाई ये जो गन्ना पड़ा है ये भाई नकली गन्ना है, ये हम उठा नहीं सकते। मैं यहाँ पर ट्रैक्टर लेके आया था, मैंने इसको टेस्ट करा था,
जो अंदर गन्ना पड़ा है वो तो नकली है, जो बाहर पड़ा है वो महानकली है। तो अब मुझे चलना है इसको लेके और अपना गन्ना बेचने। चल भाई जॉन डियर को लगाते हैं पीछे, और चीनी को मैं बाद में लेके जाऊंगा, अभी तो फिलहाल मैं इसको यहाँ लगा दूँ। और चल भाई जॉन डियर, ओके ये चीनी अभी लेके जानी भाई अपने खेत पे। तो भाई चीनी का क्या करेंगे, चीनी तो मैं अभी बेच दूंगा ये वाली, ये सॉरी गन्ना तो बेच दूंगा मैं, चीनी रखूंगा अपने पास। तो चीनी का हम बनाएंगे केक, तो उसके लिए मुझे चाहिए बेकरी, तो मुझे खरीदनी पड़ेगी। चलो देखता हूँ बेकरी खरीद के आज क्या क्या हो सकता है वो कर देंगे। तो भाई कल मेरा बर्थडे है, तो भाई मुझे केक चाहिए, केक के लिए मुझे सामान चाहिए। और बस बस यार जॉन डियर की भाई ब्रेक बहुत कम है, तो भाई इसको लगाते हैं इसके पीछे। हेल्पर आ गया कि नहीं, अबे हेल्पर आता क्यों नहीं एक बार में। हाँ अब आया, अच्छा थोड़ा भाई थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अब चलते हैं फटाफट बाहर। आ भैया तो गन्ना अपने पास है, मैंने ट्रॉली दोबारा जो प्रॉब्लम थी 50 मिलियन की हो गई थी, मैंने उसको दोबारा फिक्स कर दिया, 5 मिलियन की कर दिया। तो एक काम करते हैं यार बाहर से चलते हैं, क्योंकि यार पिछली बार मैं गन्ना लेके आया था तो हेल्पर पेड़ों में फंस गया, तो ये एक अच्छा रास्ता है। नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे भाई, मेन रोड से जाएंगे ताकि अपने हेल्पर सही से आ जाए। आ जा आ जा आ जा, और निकालते हैं इसको अपने स्वराज रेड कलर का भाई शानदार ट्रैक्टर। और भाई सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, FS22 FS19 के ऊपर बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं, क्या चक्कर है भाई, देख लो चैनल बंद करवाने के चक्कर में लगे हो। तो सारे गेमर बन गए हैं भाई, सबको चैनल बनाना है, चैनल बना बना के भाई अपने लगे हो। और यार तू गियर डाल रहा है, नहीं डाल रहा भाई। हाँ ये पता नहीं इसका गियर में क्या दिक्कत है, इसका लेके जाना पड़ेगा इसको। चल आ जा आ जा आ जा आ जा, तो ये बहुत दूर है यार, अभी इसको लेके जाना पड़ेगा मेरे को। देखो गन्ना देखो भाई अपना, तो 50 लाख इसमें है। ओ भाई जॉन्डर की स्पीड देखो तो 50 लाख गन्ना मेरे पास है इसके अंदर, और उसके अंदर है 2 लाख कुछ, सॉरी 29 लाख। तो भाई 80 लाख गन्ना है अपने पास अभी, 80 लाख गन्ना बेच के भाई ज़िंदगी का मज़ा आने वाला है। अपने पास अभी पैसे बहुत कम है भाई, पिछली बार मैंने क्या हुआ था खेत खरीदे थे बहुत सारे, तो इस वजह से मेरे पैसे कम हो गए। और ये स्वराज तू कहाँ जा रहा है भाई, अगर तू गड़बड़ करेगा तो वो जॉन डियर भी गड़बड़ करेगा। अरे यार काम घुस जाता ये। ओ यार जॉन डियर आ जा भाई आ जा, सॉरी यार सॉरी, तेरा टाइम करवा प्रॉब करा। तो अब चलते हाँ भाई मेन रोड पे तो आ गए, तो एक काम करते हैं यहाँ से मारते हैं शॉर्टकट। आ जा भाई जॉन डियर, तो वो सामने पॉइंट है जहाँ पर मैंने कॉटन बिल बेची थी लेकिन बिकी नहीं थी, अब देखते हैं वहाँ पे गन्ना बिकेगा कि नहीं बिकेगा। चलो एक काम करते हैं जॉन डियर तो आता ही रहेगा भाई, हम चलते हैं बाहर और इसको लेके पहुँचता हूँ मैं, फिर जॉन डियर को बाद में ले जाऊँगा। तो इसको लेके चलता हूँ मैं अभी, जॉन डियर अभी टाइम लगाएगा। देखो ओ आ गया आ गया आ गया, ओ भाई वो ट्रॉली फंस गई उसकी ट्रॉली ने पंगा हो गया, कोई बात नहीं चल अब इसके पंगा हो गया। अबे तेरे गियर में क्या पंगा है भाई, आ जा आ जा। तो टाइम अभी भाई अपना हो चुका है 12:20, आ गया भाई आ गया, आखिरकार मुंडा आ गया। तो यहाँ पे बिकी थी भाई पिछली बार भाई, इस ट्रॉली के साथ इसका बैलेंस नहीं बन रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ये है पॉइंट, इस पॉइंट पे भी माल बिकता है लेकिन कॉटन बेल नहीं बिकी। ओ भाई नीचे नीचे नीचे, सही सही सही, आ जा आ जा आ जा। तो गन्ना फिर दोबारा उग जाएगा, अभी जो मैंने खेत लिए थे दोबारा काट लेंगे और फिर दोबारा अपने शुगर मिल के अंदर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं ज़रा इसको बेच दूँ एक बार, कितने क्या तो आ गया आ गया भाई आ गया आ गया, अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा बीबा पोता। गन्ना ओ बिखरा भाई बिखरा, शुगर है, देखता हूँ भाई यहाँ पर पूरा बिकेगा या यहाँ पर भी रुक रुक के बिकेगा। मुझे लगता है यहाँ पर तो फुल कैपेसिटी होनी चाहिए। तो भाई गन्ना बहुत ही ज़्यादा मिला है, ओ भाई ट्रॉली फंस जाएगी, जा रहा भाई जा रहा। एक काम करेंगे फटाफट से सेटिंग में चल के, और भाई इसमें इसको कहाँ गया, अरे अरे कहाँ गया यार ये सेटिंग, वैसे तो सही है लेकिन भाई करना पड़ता है कभी कभी इसको बंद। तो व्हीकल वॉल्यूम, अरे यार ये कहाँ चली जाती है भाई, ये ऑप्शन पता नहीं कहाँ खो जाती है। कैमरा इनपुट इंजन 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 ऑटोमेटिक स्टार्ट, अरे यार पता नहीं कहाँ चला जाता है। व्हीकल ऑप्शन
ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट, ये रहा यार इसमें। तो लो भाई अब अपना इंजन स्टार्ट रहेगा और अपन पीछे से देखेंगे भाई गन्ना। ये भाई देखो, ओह भाई इसमें तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट इसको हटा देते हैं हेल्पर को। चल भाई ओके, हेल्पर उतर गया, ओ उतरा नहीं, हेल्पर को कर देते हैं डिसमिस। हाँ तो हेल्पर को डिसमिस कर दिया, अभी अपना गन्ना इसमें जा रहा है। देखो पैसे भाई 1.8 हो गए, ओए होए होए भाई बहुत ही पैसे मिलने वाले हैं आज तो। अब भाई माला माल होने वाले हैं। तो इसके साथ भाई इसकी स्पीड बहुत ही कम है डाल जाने की, अभी जाने दो गन्ना। तो अपने पास थे 1.7, हम देख लेते हैं बाद में देखेंगे कितने पैसे मिले। तो भाई ये है बेकरी, यहाँ पर बनता है केक, तो यहाँ चल के इसको खरीद लेते हैं। ये देखते हैं क्या चीज़ें खरीदने की पॉइंट है। ओ भाई यहाँ पे कपड़े बदलने की जगह है? नहीं भाई कपड़े नहीं बदलने, कपड़े नहीं बदलने। कहाँ गया ये? अच्छा यहाँ पर। तो ये है बेकरी, $1,00,000 की भाई। लो अपनी होगी भाई अब ये। अब चलते हैं इसके अंदर प्रोडक्शन चेन के अंदर। तो ये भाई ये आ गई बेकरी। तो भाई यहाँ पे बनेगी ब्रेड व्हीट, अगर हम यहाँ पे गेहूँ डालेंगे तो हमें मिलेगी ब्रेड, और अगर हमें केक चाहिए तो केक के लिए भाई हमें चाहिए ब्रेड बनेगी आटे से। तो आटा भाई हमें कहाँ से मिलेगा? आटा भाई डालना पड़ेगा, आटा पीसना पीसना, मतलब व्हीट डालेंगे तो आटा मिल जाएगा, तो उसके लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो केक का इंतजाम कैसे होगा? केक के लिए भी आटा चाहिए, शुगर, चीनी, मतलब चीनी, दूध, अंडे, बटर, मक्खन और भाई स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मिलेगी हमें ग्रीन हाउस से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें चाहिए भाई। ओए होए होए, तो ये चीज़ें हैं। अब 6 चीज़ें कैसे मिलेंगी भाई ये देखते हैं। और बटर के लिए भाई ये इसके सामने देखो तो बॉर्डन की डेयरी है, ये दूध की बोतल बनी है देखो ऊपर। तो दूध से हमें मिलते हैं मक्खन और घी और दही। तो भाई यहाँ पर लगाते हैं हम आर, दबा के इसको ख़रीदते हैं और वापस चलते हैं एक बार, तो फिर देखते हैं इसके अंदर चल के। तो ये है भाई डेयरी। अब डेयरी के अंदर हमें 15 लीटर दूध देना है, 15 किलो दूध देंगे तो हमें 13 किलो मक्खन मिलेगा। लो भाई, और अगर हमें चीज़ चाहिए, पनीर चाहिए, तो भाई 3 किलो पनीर देंगे तो 2 किलो हमें पनीर मिलेगा। चॉकलेट के लिए भाई बराबर बराबर चीनी और दूध देना है, तो अगर हम 10 किलो दूध देंगे और 10 किलो चीनी देंगे तो हमें 10 किलो चॉकलेट मिलेगी भाई। ये सही है। तो अभी ये सब बैग एक्टिवेट नहीं है, देखो अगर आप ध्यान से, तो ये डीएक्टिवेट है, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं यार, देखते हैं यहाँ पर कितना गन्ना बिक गया। इसकी तो लगता है स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी भाई। ओ भाई अभी तो ये 43 लाख हुआ है, अभी गन्ना सिर्फ अपना 7 लाख बिका है और अपने पास पैसे फिर कम हो गए। अच्छा अच्छा, तो चलो इसको बेचते हैं अभी। अभी मैं इसको गन्ने का दोनों को बेच के आपको दिखाता हूँ फिर कितने पैसे हुए। अभी देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पर चल के कितने गया रिकॉर्ड अपना। तो ये अपना रिकॉर्ड देखो भाई, पैसे माइनस माइनस बहुत होते हैं भाई, प्लस कम होते हैं। तो हार्वेस्ट इनकम आज हमें हो रही है 2,63,000 की, पिछली बार हुई थी 2 लाख की। तो आज देखते हैं ये टोटल 2,63,000 कितने बन जाते हैं। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं यार, इसको बिक जाने देते हैं उसके बाद। तो लो भाई एक ट्रॉली तो अपनी बिक गई है 1.5 मिलियन की। तो भाई इसको बेचना है, अब देखते हैं ये कितने की बिकने वाली है। अब पीछे पीछे आ भाई, आगे छाड़ ही चला गया। एक मिनट यार इसका, हाँ भाई बेच दे गन्ना जल्दी से, चलते हैं देखते हैं ये कितने का बिकने वाला है। तो ये गई भाई 1.5 मिलियन की, 50 लाख गन्ना, और ये था 30 मिलियन का। ओह सॉरी, ये गन्ना था भाई 30 मिलियन। ओह पैसे के चक्कर में ये लो भाई, अमाउंट गलत हो जाता है यार कभी कभी, सॉरी उसके लिए। तो अब जा रहा है यहाँ पर, तो 500 रुपये रेट है ना, तो भाई 50 मिलियन है तो 1.5 का गया, 50 मिलियन था भाई। चल 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 चल, तो भी देखते हैं भाई 4.3 मिलियन। ओ भाई मेरे 1 मिलियन का बिका 30, तो अपने को टोटल देखते हैं तो भाई कितना फायदा हो गया आज। अबे कितने चला गया, अबे कहाँ चला गया भाई, भाई यार हिसाब किताब कहाँ चला जाता है। तो भाई 2.8 मिलियन, यानी कि भाई लगा लो 28 लाख का अपना गन्ना बिक गया, इतना गन्ना था भाई अपने पास। चल भाई, तो ये जॉन्डियर आ गया अपना और इसको लगाते हैं यहाँ पे। ट्रॉली मैंने अब, ट्रॉली की अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ये किराए पे ले रखी है यार, इसको वापस कर देते हैं अभी। तो एक मिनट हटा देता हूँ इसको। चल भाई ये इसको करते हैं भाई थोड़ा सा आगे, इंजन बंद करके उतर जाते हैं। तो अब चलते हैं खेत में वापस अपने, और ये खड़ा भाई अपना जॉन्डियर। अब यार उसको ना चालू करना है ग्रीन हाउस को, और दूध भी चाहिए, दूध भी देना है।
तो यहाँ पे चलते हैं। और अपने पास हाँ एक टैंक था यार, 1 मिनट, तो किराए पे नहीं भाई, अपने गैराज के अंदर। तो अपना गैराज कहाँ है यार, ये है भाई अपना गैराज है ना। तो नहीं यार ये तो मोड हो गए ना, गैराज कहाँ गया यार, यही तो है गैराज। हाँ अच्छा, इसके अंदर टैंक कहाँ चला गया भाई, ये रहा। तो ये इसके अंदर देखते हैं, तो ये तो स्लरी और मैनूर लेगा। तो भाई पानी के लिए और मैनूर के लिए तो ट्रॉली चाहिए, पानी के लिए चाहिए टैंक, तो पानी देना है ना। तो पानी के लिए चलते हैं शॉप के अंदर, इसके अंदर एनिमल के अंदर होगा, तो एनिमल एनिमल एनिमल, ये एनिमल्स। तो ओ भाई टैंक इसके अंदर यार, ये नए आए हैं देखो, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत छोटी है यार, ये तो 2000 लीटर का है और ये 32,000 लीटर का। इसके लिए चाहिए भाई ट्रक। ये क्या है भाई, ये यहाँ पर कैसे आ गए भाई, गलत आ गए लगता है। ये क्या चीज़ है, बेल बनाने के लिए, अच्छा एनिमल में डाले हुए। तो ये था बैग, मैंने आपको पिछली बार दिखाए थे बैग। ये तो ये है यूज मिल्क ट्रेलर, तो ये दूध का ट्रेलर है भाई, 1000 लीटर का। ओए भाई इतना छोटा सा, ओ भाई कितना ही प्यारा लग रहा है यार, नन्ना मुन्ना चा। तो नहीं ये बहुत ही छोटा है भाई, इससे मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखता हूँ, ये देखो भाई दूध पानी और सब कुछ उठाता है, लिक्विड भी फर्टिलाइजर भी। तो ये नहीं, तो ये मल्टीपर्पज़ है, इसकी कैपेसिटी 8,000 है, तो बहुत है। कलर इसका एक ले लेते हैं, अच्छा अब भाई आज में तो कलर ही नहीं है, अब भाई इसमें तो यही कलर है, तो चलो इसी को लेते हैं भाई, खरीद लेते हैं इसको, क्योंकि हमें सारे काम इसी से करने पड़ेंगे। और इसके अंदर चलते हैं अब, और 1 मिनट भाई इसका ज़रा ये उतार दूँ आगे से टोकरी, और पीछे करके अच्छा इंजन, अच्छा तो इंजन मैंने स्टार्ट करा था ना यार उसके लिए, तो ये दिक्कत थी। तो पीछे करके भाई इसको भी उतार देते हैं, अच्छा ये ऐसे नहीं उतरेगा भाई, इसको नीचे करना पड़ेगा, तमीज से उतरेगा ये, तमीज के साथ दे भाई उतर जा। तो अब ये जॉन डियर छोटा सा ट्रैक्टर अपना है, तो छोटा है लेकिन देखते हैं ये ट्रैक्टर काम कर देगा कि नहीं कर देगा। अब मुझे भाई उन फैक्ट्रियों को चालू करना है, बेकरी को, डेयरी को और ग्रीन हाउस को, केक बनाने के लिए। तो देखता हूँ कि केक बन के तैयार हो जाएगा 1 दिन में कि नहीं। चल भाई क्या हो गया, अबे अच्छा टेढ़ी आ रही थी भाई थोड़ी सी। तो पहले काम करते हैं पानी लेके आते हैं, तो पानी के लिए वैसे तो टंकी लगानी पड़ती है, लेकिन भाई अपने घर के पीछे नदी है, तो नदी में से जाएंगे और डुबकी लगाएंगे गंगा मैया के अंदर, तो देखता हूँ वहाँ से पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। तो 1 मिनट, तो ज़्यादा अंदर नहीं डूबो नहीं भाई, नहीं तो ये क्या होगा कि अंदर ही डूब जाएगा। तो इसको थोड़ा सा किनारे पे ले जाकर ऐसे देखता हूँ, ओ भाई 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 भाई, लो लो लो, 1 मिनट देखता हूँ भर जाएगा। हाँ भाई भर गया भर गया भर गया, तो भर लेता हूँ इसको एक बार फुल, देखता हूँ जरूरत पड़ेगी तो जितनी। चल भाई बहुत हो गई, बस बस बस, अरे स्ट्रॉबेरी इतनी सारी नहीं चाहिए भाई, थोड़ी सी चाहिए। तो 5,000 भर लिया, 6,000 भर लिया, चलो बहुत है भाई। पानी के लिए अपने पास बहुत बढ़िया स्रोत है, यानी कि सोर्स है, तो पानी के लिए हमें बार बार टंकी वंकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं इधर, और भाई इस बार फसल मैंने अभी कोई नहीं लगाई है, क्योंकि अभी मैं लगाऊं फैक्ट्री के चक्कर में, अभी फैक्ट्रियों का भी काम करना है ना। तो फसलें तो हमने कई बार लगाई दी, अब चलना है इसके अंदर भाई। इसके अंदर हमें देना है देखो पानी, यहाँ से कर देता हूँ भाई इसको चालू। लो भाई पानी का निशान आ गया, अच्छा तो ये दो हैं लेकिन ये काम इकट्ठा करेंगे, तो ये चक्कर है भाई इसका। ओके चल भाई आ जा आ जा आ जा आ जा, देखते हैं इसके अंदर टोटल पानी चला जाएगा सारा। ओ भाई सारा पानी चला गया इसके अंदर, तो चल आ जा बाहर निकालते हैं इसको यार, यहाँ से जगह थोड़ी कम है, जगह कसूती है, फसाई हुई है, ये बाहर सी नहीं होनी चाहिए थी, खुला होनी चाहिए थी जगह, ताकि बंदा जहाँ से मर्जी आए जहाँ से मर्जी निकल जाए। चलो भाई पानी तो मैंने दे दिया, आप देनी इसके अंदर 1 मिनट, उसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चाहिए। अब चलते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, और यहाँ पर चल के एक दबाते हैं बटन, अंदर चल के भाई इसको दबाते हैं आर दबा के। तो ये है भाई लार्ज ग्रीन हाउस, तो इसलिए दो हैं, हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी केक के लिए, तो केक के लिए हमें इसके अंदर देना पड़ेगा पानी। भाई लाइम सीड स्टोर, यार ये क्या हो रहा है भाई, ये टमाटो के लिए भाई इतना कुछ देना पड़ता है यार, पहले तो मैन्यूर डालते थे और भाई वो डालते थे, तो हमें इसके अंदर सॉलिड फर्टिलाइजर देना है,
या लाइन देनी है या सीट देना है, इन चीज चारों में से एक चीज देनी है या सारे देनी है अब ये नहीं पता। तो एक काम करते हैं, सीड सॉलिड फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर तो भाई लाना पड़ेगा ट्रॉली में भर के, और ट्रॉली तो अपने पास अभी कोई है नहीं। और ओ भाई इसका इंजन कैसे स्टार्ट है, बंद हो जाए भाई। तो ट्रॉली कोई खाली कहाँ पर है यार, ट्रॉली ट्रॉली कहाँ पर गई मेरी, ये तो हे वाली ट्रॉली है वो वहाँ पर भी नहीं है, और भाई ट्रॉली नहीं है यार अपने पास। एक सेकंड रुको, दोबारा चेक करते हैं कुछ और ऑप्शन हो तो। स्टोन नहीं दे सकते हमारे पास नहीं है, सॉलिड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लाइम दे सकते हैं, सीड दे सकते हैं। तो इनमें से फर्टिलाइजर, अरे अपने पास सीडर खड़ा है, सीडर के अंदर से फर्टिलाइजर निकाल लेते हैं, लेकिन उसने उठा के मैं डालूंगा कैसे, ये भी तो दिक्कत है। अच्छा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई लिक्विड फर्टिलाइजर है, तो हमें चाहिए सॉलिड वाला। तो ट्रॉली चाहिए भाई एक और, कितनी ट्रॉली चाहिए भाई, एक मिनट वापस चलते हैं स्वराज के पास, ट्रॉली अपने पास है अभी, तो अपने पास ट्रॉली है अभी, इसको लेके चलते हैं। अभी मैंने वापस नहीं करी शुक्र है, अभी भाई इसका काम है, अभी इससे काम लेते हैं थोड़ा सा। तो इस जगह पे वैसे तो जो फर्टिलाइजर सीड है वो शॉप से मिलते हैं, लेकिन भाई इसके अंदर एक जगह है पॉइंट, वहाँ पे भाई ने बना रखी है जगह, तो वहाँ से सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगा था कि मैन्योर देने से और पानी देने से ग्रीन हाउस चालू हो जाएगा, लेकिन भाई इसके अंदर तो बहुत कुछ देना है। अब देखता हूँ फर्टिलाइजर डाल के कि ये चालू हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई इसको चालू तो करना ही पड़ेगा। तो वो पॉइंट भाई वहाँ पर बने हुए, देखो आगे कोने पे, वहाँ चलते हैं। फर्टिलाइज़र ऐसा करता हूँ ना मैं 5-7 हज़ार किलो ले लेता हूँ, तो उसके हिसाब से देखता हूँ कितना काम होता है। कहाँ गया भाई वो पॉइंट, अरे वो पॉइंट कहाँ चले गए, ये रही ये रहे। लो भाई ये है जगह, यहाँ पर भाई ने सारा सिस्टम लगा रखा है बहुत ही बढ़िया, और फटाफट से घुस जाएंगे अंदर गाड़ी वाले से पहले पहले। और ये है भाई बहुत ही शानदार जगह, देख यहाँ पे मैं कभी आया नहीं अभी तक। और भाई पेट्रोल पम्प भी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिलता है भाई, यहाँ पे मिलती है भाई अमोनिया गैस, नाइट्रोजन NH2। नो नहीं नहीं ये नहीं चाहिए यहाँ पर यार, ये ट्रॉली तो बहुत ऊंची है, एक मिनट घुस जाएगी। ओ यार ये भी प्रॉब्लम है यार, ये देख अब ये नहीं घुस रही, घुसाते हैं इसको। अबे यार ये तो बहुत दिक्कत वाला काम हो गया भाई, ये माल कैसे आएगा, सीड, अच्छा इसके अंदर तो सीड है, वैसे भी नहीं चाहिए, चलो हटो हटो भाई हटो, सीड वैसे भी नहीं चाहिए। इसके अंदर लाइम और उसके अंदर फर्टिलाइजर, और भाई वहाँ पर मैन्यूअल स्लरी सब मिलता है यार, लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ पर मतलब सब कुछ मिलेगा जो भी चाहिए आपको। भाई घुस जा यार, थोड़ा सा भाई ने बहुत ही नीचे मोड लगाए हैं यार, थोड़े ऊँचे लगाता भाई, इस ट्रॉली से तो भाई काम नहीं बनने वाला, मुश्किल है। पीछे कर भाई इसको, बेकार ट्रॉली है ये, बहुत ही ऊंची है भाई ये गन्ने की, अरे यार ये तो मैंने गन्ने के लिए भाई स्पेशल बनाई थी। तो एक काम करते हैं अभी फिलहाल, इसको करते हैं एक्स से पीछे, भाई हटा देता हूँ इसको। हाँ चल 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 चल, उतर जा उतर जा, तो ऐसे उतरती भाई ये। ओ भाई इसने तो, ओ भाई ये क्या कर दिया, अबे हटाओ भाई इसको हटाओ, ओ नहीं इसको लगाओ, और भाई उसको हटाओ भाई, स्यापा ही है नवी नवी टेक्नोलॉजी का भी स्यापा ही है। तो मेरे पास एक और शॉप लगाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये अपनी ट्रॉली अभी मैंने कई सारी बनाई थी, तो बड़ी भी है मेरे पास, छोटी भी है, तो छोटी भी है उसी के साथ की एक आगे चलते हैं। तो ये अच्छा, ये तो ट्रेलर हो गया, ये है 1 लाख की, तो ये 1 लाख वाली है, इसको ले लेते हैं किराए पे अभी फिलहाल। भाई ये किराए पे लिया, और ये देखो कहाँ पर चलेगी, भाई कहाँ चलेगी भाई, आई नहीं मुझे लगता, दुकान छोटी है और जगह छोटी है, जगह ब्लॉक हो रही है मुझे लगता भाई। ये बड़ी दिक्कत है, इस मैप के अंदर ही दिक्कत है, बाकी तो सब किसी मैप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसको करते हैं किराए पे, यू कैन पिकअप योर लेटेस्ट, अच्छा अब कह रहा है पिकअप करो, हाँ अब कर रहा है पिकअप, पहले आया था कि भाई वहाँ पे जगह नहीं है तो उसको सही करो, तो ये बहुत गड़बड़ा। चल भाई इधर चल 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 चल, पीछे 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 पीछे,
और इधर, हाँ और इधर, हाँ सीधा उसके पास लेके चलना भाई, सीधा सीधा इधर इधर इधर, हाँ और भाई ये देखता हूँ उठा भी लेगा ये भाई, वो तो बहुत नीचे है। अच्छा लेकिन क्या है, हुक ऊपर है। अच्छा एक मिनट भाई, जरा मैं इसको लगा लूँ थोड़ा। हाँ अब भाई थोड़ा आगे करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा तब आएगी। ओके आ जा मेरी धन्नो आ जा, कहाँ जा रही है। तो ये नीचे है देखो, तो भाई इसमें अंदर फर्टिलाइजर अपना फर्स्ट क्लास आ जाएगा। चल भाई चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर यार, टाइम नहीं है भाई, ग्रीन हाउस को चालू करना है। अब ये तो ले लेगा, ये तो आ जाएगी अब ट्रक। अब भाई झंडा फंस गया वो झंडा फंस गया भाई। अब एक हाँ ये आ गई, शुक्र है। तो ये आ गया भी फर्टिलाइज़र, और ये इसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, तो 1 लाख ले लेते हैं और 1 लाख वहाँ पर भर देंगे, ठीक है ना। और दूसरी ट्रॉली का क्या किया जाए अभी, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। चलो एक तो भरने दो यार, जब तक हम बाकी काम करते हैं। तो ट्रेलर के अंदर मेरे पास ये मैंने लिया ऑटो लोडर, तो ये बड़ी वाली है, ये बड़ी वाली को वापस कर देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। और भाई इसको वापस कर देते, ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने 2 लिए हैं, इसको वापस कर देता हूँ। ओह ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, उसके नीचे जो था वो तो उतर ही गया। अबे यार गलत भेज दिया। वैसे जो यूज़ में होता है वो बिकता नहीं था FS19 के अंदर, इस गेम में गड़बड़ है यार। देख उसने वो उसका जो नीचे का सिस्टम था वही बेच दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दुकान को लगाते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पर। और अपनी ट्रॉली कहाँ पे खड़ी थी, नहीं बेकरी पे नहीं खड़ी थी भाई, पेट्रोल पंप पे नहीं खड़ी थी, यहाँ पे खड़ी थी देखो। तो यहाँ पर खड़ा ये ढांचा इसका, तो करते हैं भाई रीसेट अच्छा जॉन डीयर को भी यहीं बुला लेते हैं यार, आजा आजा तू भी आजा, नाराज मत हो भाई, उसको उठाने के लिए दोबारा लगानी पड़ेगी तो ये होता है, ये होती है गड़बड़, गड़बड़ मामला हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ओ भाई, ओ आगे कर भाई थोड़ा सा भाई, एक काम करने के लिए 10 काम बिगड़ जाते। चल 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 फटाफट, हाँ पीछे चल पीछे चल पीछे कर, उसके पास एक्स दबाते हैं और उसकी डुबली को निकालते हैं बाहर। हाँ निकाल निकाल बेटा, शाबाश। अब तो भाई बिल्कुल सीधा जा रहा, सीधा जा रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। ये लो भाई आगे कर थोड़ा सा भाई, इसको आगे करके करते हैं दोबारा से एक्स। 1 लाख फर्टिलाइजर अपना फिट हो चुका है इसके अंदर, अब लेके चलते हैं इसको खेत पे जल्दी से, खेत अपना पास ही है। चल जॉन डीयर चल खींच ले, लग गया कि नहीं। हाँ ये अच्छी है यार, देखो छोटी सी है प्यारी सी, नन्नी मुन्नी सी। तो भाई देखता हूँ अभी आज फर्टिलाइज़र डाल के वो चालू होगा कि उसके बाद बाकी सामान भी मुझे डालना पड़ेगा, यानी कि जो पत्थर, भाई देखो पत्थर तो नहीं जाएंगे, सीधी बात पत्थर क्या ग्रीन हाउस के अंदर पत्थर का क्या मतलब हुआ यार, ये फालतू की बातें हैं। ओ भाई 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 इधर ही है, इधर ही है भाई, अपना खेत इधर ही है। चलो काली टैक्सी जल्दी कर, टैक्सी नहीं भाई वो कार है। तो अपना भाई फील्ड इधर था और मैं जा रहा हूँ उधर, तो केक बनाने की खुशी में समझ नहीं आ रहा। अब ये ट्रॉली माल डालेगी कैसे डालेगी देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है, तो भाई बैक करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सीधी सीधी ले जाऊँगा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत भी बहुत तगड़ी होने वाली है। देखते हैं क्या होगा भाई, जो होगा देखी जाएगी। बस 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 घुमा दे, हाँ घुमा दे अच्छी तरह। हाँ चल ले चल ले चल ले चल, सीधा सीधा ले चलते भाई उसके पास, उसी पॉइंट पे डालना पड़ेगा माल। तो ये तो सिर्फ एक मिनट, ये तो पानी का पॉइंट आ रहा है भाई, यहाँ पर तो नहीं डलेगा यार ये। हाँ यहाँ पर तो नहीं डलेगा, एक मिनट इधर भी पॉइंट है क्या कोई भाई, यहाँ पर तो माल आएगा। भाई पानी पानी गया इसके अंदर अभी, और अभी चालू नहीं आया इसके अंदर। अच्छा अच्छा ये दरवाजे, ओह भाई दरवाजा आ गया मुझे लगता बीच में, एक मिनट आगे कर। तो दरवाजा मुझे लगता है उसकी वजह से वो पीछे नहीं जा रहा, गलत बना रखा है यार ये भाई यार। चल भाई कूद के बंद कर दे इसको, हाँ तो इसको बंद करना पड़ेगा।
इनको बंद रखना पड़ेगा भाई, दिक्कत वाला काम है। और चलते हैं पीछे, डाल दिया वो, और भाई डाल नहीं रहा। अच्छा तो भाई इसको चेंज करना पड़ेगा ना। ओके देखते हैं फटाफट टोटल कितना जाने वाला है। ओ भाई योके हो गया। ए मेरे भगवान। ओए 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 स्वराज तो हवा हवा में ही उछल गया भाई। एक मिनट यार, यहाँ पर यार जगह नहीं है। ओ फंस गया यार ये, यार बहुत से हफ्ता लगा। ओ भाई इसको तो मुझे लगता हाथ से उड़ा के डालना पड़ेगा। हाँ चल 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 उधर को उधर को। अब इसको सीधा तो करूँ यार, ये भी मुसीबत है भाई। यहाँ पे जगह है नहीं है यार, भाई ने कहाँ पे बना रखा है यार। इसको थोड़ी सी भाई खुली जगह में बनाओ, ऐसी चीज़ें भाई ऐसी जगह पे नहीं। देखो ये देखो जगह ही नहीं है, मैं ट्रॉली को कहाँ से घुमा के ले जाऊँ। देख भाई स्वराज हवा में उड़ गया। अगर हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमलदा, कोई आया नहीं भाई पॉइंट। बहुत मुसीबत वाला काम, जगह भाई ने भाई ऐसी काम के लिए खुली खुली जगह चाहिए होती है। और डालता हूँ अभी, और जाएगा नहीं, बस 2000 ही क्या, बस इतनी कैपेसिटी है। मुझे लगता दूर है, एक मिनट पास करता हूँ और। हाँ भाई 2000 ही गया, 2000 फर्टिलाइजर गया और भाई मैं 1,00,000 खरीद के ले आया। और मुझे लगता है ये चालू हो चुका है, और ये दिखा रहा है फर्टिलाइजर इतना हो गया इतना हो गया। वह भाई बहुत ही मुसीबत है यार, फर्टिलाइजर हो गया। इसके अंदर भाई सारा कुछ देना है, इसके अंदर भाई स्टोन भी देनी है, इसके अंदर लाइम भी देना है, इसके अंदर मुझे लगता है 2000 सब कुछ जाएगा। पानी ज़्यादा जाएगा क्योंकि पानी बहुत लगेगा, और भाई बाकी सामान कम जाएगा। तो यार ये भरना पड़ेगा लाइम सीड भाई सब कुछ। एक ट्रॉली रखनी पड़ेगी 2000 लीटर वाली, तो इसको अभी कर देते हैं बंद। तो भाई बेकरी पर तो आज काम ही नहीं हो पाएगा, तो आज तो भाई इतना ही काम हो पाएगा, क्या करूँ मैं। तो एक काम करते हैं इस फर्टिलाइजर को देखते हैं बिक जाएगा कहाँ पर, ये बिकना चाहिए यार। एक मिनट यार कितना टाइम हो गया भाई, तो यार काफ़ी टाइम हो चुका है अभी तो फिलहाल फर्टिलाइज़र। हाँ एक मिनट एक काम करते हैं, फर्टिलाइज़र भाई अंदर बिक जाएगा अपना सेल एवरीथिंग वाले पॉइंट पे। चल 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 दूर से लेके चल। तो भाई जो भी चीज़ खुले में हो ना मज़ा आता है फिर उसके अंदर। ये थोड़ी सी तंग जगह पर लगा रखा है, इसको मैं हटा के कहीं और लगा, अब पता नहीं लग जाएगा कि नहीं लगेगा भाई, तो ये दिक्कत है। यहाँ पर बिक जाएगा, हाँ भाई यहाँ पे बिक जाएगा, शुक्र है भाई बिक गया। तो इतना सारा फर्टिलाइज़र भाई क्या ही करूँगा मैं। तो चलो एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ आज कि मैं इसके अंदर स्टोन पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको अगली बार बताऊँगा कहाँ से मिले। तो लाइम वहाँ से मिलेगी जहाँ से मैं अभी फर्टिलाइज़र लाया था, तो लाइम सीड मैं इसके अंदर डाल के इसको फिट करके स्ट्रॉबेरी उगा लेता हूँ। और अपने पास जब तक गाय का दूध अभी कितना है, गाय का दूध अभी 2250, तो ये भी बढ़ जाएगा थोड़े दिन, एक दो दिन आगे हो जाएंगे। तो मैं सारा सामान तैयार करके फिर चलते हैं वहाँ पर। और हमें क्या चाहिए इसके अलावा, एक मिनट देख लेते हैं यार। और इसके लिए हमारे अलावा हमें सामान बटर चाहिए, तो दूध चीनी में मिली गई है, तो चीनी में वह पड़ी है, तो चीनी में लेके वहाँ पहुँचता हूँ। और केक के लिए मुझे ये सामान चाहिए, अंडे मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं अभी मैंने बेचे नहीं है। तो भाई अपने पास सारा सामान है, हाँ आटा नहीं है भाई। तो आटे के लिए मैं क्या करता हूँ कि आटा का देखता हूँ, आटा फ्लोर मिल है इसके अंदर है या नहीं है, जो भी है फिर आपको बताता हूँ। तो ये भाई अब होगा अगली बार, आज तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। आज तो ये बिक गया क्या, ओ भाई बड़ी जल्दी बिक गया। तो भाई आज तो इतना ही काम हो पाया, तो आज मैंने बड़ी कोशिश करी तो आज, लेकिन हमारा गन्ना बिक गया भाई। और अपने पास हो चुके हैं 4.6 मिलियन डॉलर, तो भाई अमीर हो गए हम, 5 मिलियन डॉलर के मालिक बन गए। तो चलो केक बनाते हैं फिर कल, और कल मेरा बर्थडे भी है तो फिर कल ही खाएंगे केक। ओके दोस्तों ये था आज का गेम प्ले FS22 का, जल्दी से बताना कैसा लगा, और सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, वीडियो को लाइक करो दबा के शेयर करो ताकि व्यूज आए, फिर मुझे मजा आए कुछ वीडियो बनाने में। ओके दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो और मस्त रहो, बाय बाय।